तो गैस हमारे पास ये प्रिंटर आ चुका है एप्सन का इको टैंक L3252 मॉडल इसका, और ये एक इंक टैंक प्रिंटर है और काफ़ी सारे प्रिंट्स ये एक बार में आपके निकाल देगा। तो जो बॉटल्स इसके साथ आती हैं, बॉक्स में आती हैं, उसमें 4500 पेजेस ये ब्लैक एंड 7500 पेजेस ये कलर्ड निकाल देगा। तो ये बहुत अच्छी ईल्ड है और ये प्रिंटर बेसिकली आपका फैक्स को छोड़ के बाकी सारे काम कर देता है। दैट मीन्स प्रिंटिंग तो करेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन कॉपी एंड स्कैन भी है, वाईफाई आपको यहाँ पे मिलता है, वाईफाई डायरेक्ट भी मिलता है। डिफरेंस मैं दोनों का बता देता हूँ। वाईफाई अगर आपके प्रिंटर में खाली है तो आपको एक नेटवर्क पे होना पड़ता है, जो कि आप राउटर के थ्रू वाईफाई के नेटवर्क पे होगे, सेम नेटवर्क पे आपका फ़ोन होगा, सेम नेटवर्क पे प्रिंटर होगा, तो तब आप प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके आपके प्रिंटर में वाईफाई डायरेक्ट भी है, वाईफाई के होने के अलावा, तो आप डायरेक्टली किसी राउटर के बीच में आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो अपने प्रिंटर से और कमांड दे सकते हो, तो विच इज़ अ गुड थिंग। आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ और आपके प्रिंटर में होनी भी चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं एप्सन का L3252 प्रिंटर के बारे में बात करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ। अगर आप इंक टैंक प्रिंटर या फिर इंक जेट प्रिंटर लेते हैं तो आपको एक काम बहुत जरूरी करना है, वीक में एटलीस्ट एक बार, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि 15 दिन 20 दिन और कुछ लोग कहते हैं कि हर 3-4 दिन में, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि एक हफ्ते में एक बार कलर प्रिंट, जिसमें ऑलमोस्ट सारे कलर्स दिख रहे हो आपको, तो मतलब ब्लैक सियान सारे कलर यूज़ होने चाहिए आपके। क्योंकि होता क्या है, जो कार्टेज होती है आपकी, जो कार्टेज इसके अंदर लगी है, जहाँ से नोजल्स में से इंक निकलती है, वो नोजल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं अगर आप बहुत दिन तक उस प्रिंटर को ना यूज़ करें, एक्सेप्ट लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर यहाँ पे शाइन करते हैं और कोई इशू नहीं होती इसमें। आप एक महीने प्रिंट ना करो, 1.5 महीने प्रिंट ना करो, जब भी करोगे एकदम मस्त फर्स्ट क्लास देता है। लेज़र प्रिंटर एक्सपेंसिव आते हैं और कलर में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं और इंडिया में ऑप्शन बहुत कम है, तो इसलिए लेज़र प्रिंटर, अगर ब्लैक एंड वाइट का ही आपका काम है तो गो फॉर लेज़र प्रिंटर्स आई वुड से। और अगर आपको कलर चाहिए, बच्चे छोटे हैं, कलर्स होमवर्क वगैरह कराना है उनको, तो आपको कलर प्रिंटर लेना पड़ेगा। कलर प्रिंटर के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, इंक जेट और इंक टैंक प्रिंटर। इंक जेट में स्टार्टिंग की इनिशियल कॉस्ट बहुत कम देनी पड़ेगी, कार्टेजेस बहुत महंगी है और बहुत सरदर्दी है उसमें, जितने का प्रिंटर आता है ऑलमोस्ट इतने की ही इंक आ जाती है बाद में, और बहुत कम कॉपीज आप निकाल पाते हैं, 400-500 पेजेस निकालने के बाद उनकी कार्टेजेस खत्म हो जाती हैं। इंक टैंक प्रिंटर में इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन ये प्रिंटर्स आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे ओवर द टाइम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, इसको हमने अनबॉक्स कर ही लिया था, अब आपको कुछ इस तरह का ये प्रिंटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे इको टैंक है और यहाँ पे मॉडल है 3252 और नीचे वाईफाई लिखा हुआ है। यहाँ पे ये ब्लैक इंक शो करता है ये वाला, और आपको बाहर से दिख जाएगी कि कितनी इसमें इंक है, और अभी शायद आपको लाइट में नहीं दिख रही होगी, पर यहाँ तक ये सारी फिल्ड है, जो बॉटल आई थी हम भर चुके हैं। यहाँ पे येलो है, यहाँ पे मैजेंटा है, यहाँ पे सियान कलर है आपका, और बहुत आराम से आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं लिड को, और यहाँ पे सारे आप इंक डाल सकते हैं। जो इंक का इंस्टॉलेशन है बहुत ईजी है, बस बॉटल को उल्टा करके इस पर लगा देना, अपने आप इंक इसमें चली जाती है। ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे भी मैंशन है कि ब्लैक येलो कौन सा किस में डालना है, तो आप गलती ना करें और बहुत आराम से डल जाएगी, कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ पे ऊपर मैं थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ये हमारा पावर ऑन ऑफ बटन है। यहाँ पे आपको दिखता है कि वाईफाई या वाईफाई डायरेक्ट किस मोड पे है, यहाँ से वाईफाई बटन है, ये आपका जो मैनुअल वाला है कुछ सेटिंग्स के लिए ये यूज़ होता है ये सब, और ये कॉपी के लिए है, ब्लैक कॉपी करना है या फिर कलर कॉपी करना है, और ये भी इसका एक सेटिंग बटन है। और यहाँ से हम इस लिड को उठाएंगे तो ये है हमारा फ्लैट बेड स्कैनर। तो ये फ्लैट बेड है, यहाँ पे आपको स्कैन करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट रखना है, इसको बंद करना है और आप उसके बाद यहाँ से आप अपना स्कैन कर सकते हैं। और स्कैनिंग में गाइस दो तरह से स्कैनर आपको अवेलेबल है मार्केट में, दोनों आपको बताना होने चाहिए। एक फ्लैट बेड होता है और जो दूसरा होता है वो होता है ADF। ADF इज ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। उसमें क्या करते हैं, आप अगर मान लो आपका काम है कि बहुत सारे आपको पेजेस जो है वो इकट्ठे क्या कहते हैं स्कैन करने होते हैं, तो आप उसमें डाल दें वो सारे पेजेस, क्लिप वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए, सारे पेजेस अलग होने चाहिए, तो
प्रिंटर अपने आप एक के बाद एक डॉक्यूमेंट अंदर लेता रहता है, उसमें खींचता रहता है, एक तरफ से पुल करता है और दूसरी तरफ से स्कैन करके वापस भेजता रहता है। लेकिन इस तरह के प्रिंटर में आपको एक एक डॉक्यूमेंट अपने आप मैनुअली करना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए EDF और नॉर्मल फ्लैट बेड स्कैनर में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। पीछे आपकी इनपुट ट्रे है ये वाली, यहाँ से आप पेपर डालेंगे इसमें अंदर। आपको पीछे से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पावर कॉर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, ये USB कनेक्शन आएगा आपका और आप अपने कंप्यूटर से लैपटॉप से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कैंसिंगटन डॉक है और बेसिकली ये किसी भी चीज़ को बांध के रखने के लिए यूज़ होता है। कहीं पर भी बांध के रख दो, जैसे बैंक्स में पेन बंधे हुए रखे रहते हैं ना, वैसे ही। और गाइस यहाँ से आप खोल के अपना ये देख सकते हैं, ये इनकेस कभी आपका ये फंस जाता है तो कार्ट्रिज यहाँ पे भी होती है जस्ट लाइक योर इंकजेट प्रिंटर्स। लेकिन यहाँ पे एक तो आपका रिफिलिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है और ओवर द टाइम आपको ये बहुत सस्ते पड़ते हैं प्रिंटर। और ये चारों पाइप्स जो वाइट कलर के आप देख रहे हैं, ये इस कार्ट्रिज को सप्लाई करती है इंक, जो यहाँ इंक टैंक से जाती है। तो बस ये डिफरेंस है इंकजेट में और इको टैंक या फिर इंक टैंक प्रिंटर्स में। तो ये मैं एप्सन की एप्लीकेशन मैंने खोल लिया है यहाँ पे। तो ये सारी सेटिंग्स हैं, हेड क्लीनिंग, नोजल चेक, ये सब मैं फ़ोन के थ्रू कर सकता हूँ, इस प्रिंटर के फर्मवेयर अपडेट कर सकता हूँ। तो मैं फ़ोटो प्रिंट करता हूँ, सबसे पहले एक टेक्स्ट प्रिंट करेंगे और एक फ़ोटो प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट मैं इसको करता हूँ और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमें ऑप्शंस ऊपर सेटिंग्स में से जाके सेटिंग्स में मैं गया और पेपर साइज़ में यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ कि अभी यहाँ पे 4x6 है लेकिन मुझे पूरे पेपर पर चाहिए। तो A4 मैं यहाँ पे पेपर चूज़ करता हूँ और प्रीमियम फ़ोटो पेपर ग्लॉसी, प्रीमियम फ़ोटो पेपर सेमी ग्लॉस, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पेपर्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, वो मैं आपको बताऊँगा मैंने कौन सा। मैं कोडेक का यूज़ करता हूँ, उसका लिंक दूंगा आपको, बहुत अच्छा पेपर है वो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पेपर मंगा लेना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था वो पेपर और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यूज़ करने में। मैं फ़िलहाल अभी वाइट पेपर पे ऊपर पेपर लगाया हुआ है उसी पे निकाल रहा हूँ, तो मैंने वाइट पेपर यहाँ पे चूज़ किया है। प्रिंट के लिए कमांड देता हूँ, मैंने इसको प्रिंट बोला और इमेज प्रोसेस हो गई और प्रिंटिंग इज स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% प्रिंटेड, प्रिंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे परसेंटेज आएगा और यहाँ से पेपर हमें धीरे धीरे निकलना अब स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर से पेपर प्रिंटर उठा चुका है, मैं इसकी ट्रे थोड़ी सी बाहर पुल कर लेता हूँ और इसको ऐसे खोल देता हूँ तो पेपर मेरा गिरेगा नहीं। और अब देखते हैं कैसी क्वालिटी का प्रिंट निकल के आता है। पेपर जो फ़ोटो आप निकालते हैं वो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा टाइम ये प्रिंटर लगाएगा उसको प्रिंट करने में, बट 30-40 सेकंड्स में, 50 सेकंड्स के अंदर लगभग जनरली ये एक फ़ोटो प्रिंट कर देता है। तो प्रिंटर धीरे धीरे प्रिंट बाहर भेजना स्टार्ट कर चुका है। और जहाँ पे भी अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग अभी प्रॉपर है नहीं, बट स्टिल यू विल गेट अ आइडिया कि किस तरह का प्रिंट ये प्रिंटर हमें देगा। और जो फ़ोटो प्रिंटिंग है ये सबसे कॉम्प्लेक्स होती है, बाकी टेक्स्ट वगैरह तो बहुत अच्छे से आराम से निकल जाता है। तो टेक्स्ट वाला प्रिंट भी हम करेंगे और ये पूरा अभी मुझे लगा था फिनिश हो गया लेकिन थोड़ा सा और बचा है बस ये। तो ये हमारा नॉर्मल पेपर पे प्रिंट निकल गया, थोड़ा सा हल्का सा पेपर सॉगी लग रहा है बहुत, क्योंकि जो इंक है वो लिक्विड इंक इस पे आती है। ऑब्वियसली जो फ़ोन में फ़ोटो था वो बहुत ज़्यादा ब्राइट था, लेकिन क्योंकि ये कलर, ये जो प्रिंटर है ये फ़ोटो प्रिंटर नहीं है कोई, ये आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए होता है, तो आप उसको उससे ऑब्वियसली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जो फ़ोटो क्वालिटी आपकी डिजिटल फॉर्मेट में थी उससे कंपैरिजन ना करें। और हाँ, अगर आप इसी फ़ोटो को आप फ़ोटो पेपर पे निकालेंगे ना तो काफ़ी डिफरेंस आता है। अभी हमने बिल्कुल प्लेन पेपर पे निकाला है ये, तो ये वाला पेपर पे उतनी अच्छे प्रिंट फ़ोटो नहीं निकलते हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको फ़ोटो पेपर का लिंक दूंगा, उस पर अगर ये फ़ोटो सेम निकालेंगे ना काफ़ी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो दूसरा फ़ोटो मैं दिखाता हूँ आपका, मैंने ये फीबी के साथ अपना जो वेकेशन पे हम अभी गए थे ये फ़ोटो निकाला है, तो इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं।
तो एक पीडीएफ मैंने निकाली है, ऑनलाइन निकाली है, कोई भी डॉक्यूमेंट था बड़ा सा, उसमें मैंने एक ये पूरा पेज जो टेक्स्ट से पूरा भरा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं इसको प्रिंट, तो प्रिंटिंग चालू हो गई है, पेज ऊपर से अंदर जा चुका है और ये पूरा पेज टेक्स्ट से भरा हुआ है। तो देखते हैं ये कितनी तेज़ देता है, स्पीड क्या है इसकी। तो गाइस अच्छे से टेक्स्ट इसका उठा लिया है और आप ये देख सकते हो टेक्स्ट बहुत क्लियर है। ये देखो एकदम क्रिस्प है टेक्स्ट, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर जैसे उनको कुछ काम करना है, क्योंकि पूरे दिन बच्चे बैठे रहते हैं लैपटॉप पे, आजकल फ़ोन और लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, तो अच्छा है उनके लिए इस तरह का एक प्रिंटर ले और उनको सारी चीज़ें जो होमवर्क वगैरह हैं इनको शीट्स पे निकाल के दें और वो इस पे करें। तो ये सारे जो शीट्स हैं कलरफुल भी हैं, उनको भी अच्छा लगेगा काम करने पे इस पे। तो ये देखो, तो ये सारे प्रिंट इसी से निकले हुए हैं। तो गाइस एक चीज़ और करके देखते हैं हम इसको, एक बार जो फोटो कॉपी करते हैं वो करके देखते हैं। ये सेम को, सेम पेज को हम स्कैन करके एक फ़ोटो कॉपी निकालते हैं, देखते हैं कितना हद तक सेम क्वालिटी रख पाएगा जो इस पेपर पे है। तो मैंने इसको इसके फ्लैट बेड स्कैनर पे रखा, ये हमने इसको रख दिया, लिड करी बंद, और ये ब्लैक एंड वाइट का है, ये हमारा कलर प्रिंट है। तो मैंने इसको कलर को प्रेस करा और आउटपुट ट्रे को बाहर खींचा और अब स्कैनिंग चालू हो गई है इसकी। और ऑब्वियसली जो कलर पहला प्रिंट निकला था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि वो इसने एज अ फोटो प्रिंट करा था और ये इसने किया है एज अ स्कैन करने के बाद, जो एक फ़ोटो कॉपी और फ़ोटो निकालने में डिफरेंस होता है। बट हम देखते हैं कि क्या क्वालिटी मेंटेन कर पाया है। ये हमारी ओरिजिनल है जो स्कैन करी है, और ये इसने जो अभी स्कैन करने के बाद फोटो कॉपी करके निकाली है। तो आप देख सकते हो क्वालिटी काफ़ी हद तक सेम है, काफ़ी हद तक सेम है। यहाँ पे कलर हल्के से डल हुए हैं यहाँ से, बट आप देख सकते हो। तो गैस कुछ आवश्यक सूचना बची है, वो भी बतानी बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंटर से मुझे कुछ मिसिंग लगा, एक तो ऑटो ड्यूप्लेक्सिंग, तो ऑटो ड्यूप्लेक्सिंग का फीचर नहीं मिलता है, मतलब आपके पेज पे दोनों साइड प्रिंट करे ऑटोमेटिकली प्रिंटर, आपको खुद से मैन्युअली उठा के ना करना पड़े पेपर, लेकिन आपको यहाँ पे अपने आप पेपर बदलना पड़ेगा और पीछे से प्रिंट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो इसमें नहीं है वो है बॉर्डरलेस प्रिंटिंग। तो दैट मीन्स जो A4 शीट के पेपर के थोड़े से बॉर्डर बचेंगे लास्ट में 1 mm 2 mm के, जो पीछे फोटो आप देखें देख सकते हैं वहाँ दिख जाएंगे आपको। अदरवाइज वैसे ये फीचर बेसिकली स्पेशली फोटोज प्रिंट करने के लिए ही होता है। और क्योंकि मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको बहुत सारे फोटोज ही प्रिंट करने हैं या आप लेना ही प्रिंटर फोटोज प्रिंट करने के लिए चाहते हैं, तो ये मत लेना, क्योंकि स्पेसिफिक फोटोज प्रिंटर आते हैं, तो आप उनकी तरफ जाएं। और यहाँ पे बॉर्डर्स थोड़े से मिलेंगे आपको, बॉर्डर्स प्रिंटिंग नहीं है, पता होना चाहिए आपको। तो गैस इस प्रिंटर के साथ इसके जो मॉडल्स हैं वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं मार्केट में, क्योंकि कहीं पे भी सही से इंफॉर्मेशन कोई है नहीं उसकी। 3150, 3250, 3151, 52, 3252। तो अभी जैसे ये लेटेस्ट प्रिंटर है 3252, तो मैंने इस प्रिंटर को जब सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया प्रिंट करने के लिए, तो वो इसको एज 3250 उठा रहा था, वहाँ पे 3250 की तरह ही आ रहा है। और डिफरेंसेस बहुत माइनर माइनर से हैं, जैसे पहले वाले मॉडल्स में जो प्रिंटर की बॉडी थी वो फुल ब्लैक थी, यहाँ पे हल्का सा उसके ऊपर टेक्सचर डाल दिया और मॉडल का नाम चेंज कर दिया, तो बहुत कन्फ्यूजन है। तो जो भी प्रिंटर आप खरीदेंगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे उसके फीचर्स देख के तब खरीदना, कि कहीं पता चल रहा है कि किसी प्रिंटर का नाम कुछ डाला हुआ है और वहां पे वो फीचर्स है ही नहीं जो आपको मिल रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कहीं से भी कुछ भी खरीदेंगे ना, तो उसी वेबसाइट के फीचर्स पढ़ना पहले। खाली ये मत देखना कि प्रिंटर का मॉडल ये है 3251, वहां पे वेबसाइट पे मैंने देखा था कि इस मॉडल में ये सारी चीजें हैं तो यहाँ पे भी होंगी, जहां पे इसे खरीदो वहां से सारे फीचर्स आपके साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो आपको रिक्वायर्ड है वो देख के खरीदना, तो फायदे में रहोगे। और जो कॉस्ट पर पेज यहाँ पे इस प्रिंटर पे पड़ेगी वो 7 पैसा बोलते हैं ब्लैक के लिए और 33 पैसा फॉर कलर,
इतना कम नहीं लेकिन फिर भी बहुत इकोनॉमिकल, आप आराम से प्रिंट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 पैसा फॉर ब्लैक। तो इस तरह से मतलब कोई इशू इसमें आएगा नहीं आपको, बहुत अच्छे से काफ़ी सारे प्रिंट आप निकाल सकते हैं इस के साथ जो बॉटल्स आई हैं उन्हीं में। और जो कॉस्ट है प्रिंटर की वो 16-17 हज़ार चल रही थी, लेकिन अभी वाली सेल में इसका प्राइस 15-300 के आसपास है, और करंट में प्राइस यही चल रहा है 15-300, आप चेक कर सकते हैं उसको। तो ये सारी प्रिंटर की डिटेल्स पूरी मैंने आपको बता दी हैं, और मुझे कुछ और पूछना हो प्रिंटर से रिलेटेड तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बस यही था इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर।